दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं, कि उससे पहले मैं आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और उसके साथ मैं छठी मैया से आप सभी के लिए ये प्रार्थना करूँगा कि वो आपके जीवन को, आपके परिवार को हर एक दुख से दूर रखे, आपके जीवन को खुशियों से भर दे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मेरे घर में भी छठ पूजा है, इसी वजह से मैं आप लोगों के सामने आज ज़्यादा नहीं आ पाऊँगा। लेकिन हाँ भैया, घाट पर जाने से पहले मैं एक दो जानकारी आप लोगों को देना चाहता था, इसी वजह से मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लिख रहा हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि भाई स्पीडी कुमार, अक्षय कुमार के सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि भैया सूर्यवंशी से। तो दोस्तों, एक बार फिर से खिलाड़ी कुमार ने ये बात पूरे बॉलीवुड के सामने साबित कर दी है ना कि भैया उनकी जब हटती है ना तो अच्छे अच्छों की डॉट 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 हो जाती है। यानी कि भैया खिलाड़ी कुमार ने अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के माध्यम से बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों को दे दी है चुनौती इस बात के लिए कि भाई अगर है दम तो आओ और उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ कर दिखाओ 2021 में। यानी कि भैया इस कोरोना काल में अपनी फिल्मों को सिनेमाघर में लेकर आओ और उनके इस बेहतरीन रिकॉर्ड को तोड़ कर दिखाओ भैया इस सिचुएशन में, क्योंकि भैया अच्छे दिनों में तो सभी अच्छा खेल लेते हैं। यानी कि जब आपका कहते हैं ना कि आपका वो क्या वो एक वर्ड होता है क्रिकेट में, यार मैं वो वर्ड एक्चुअल में अभी भूल जा रहा हूँ, मेरे दिमाग में वो वर्ड नहीं आ पा रहा। यानी कि अगर आप अभी आप लय में हो, हाँ आप अगर लय में हो तो आप अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हो, लेकिन आप जब लय में नहीं रहोगे ना, सिचुएशन आपके अगेंस्ट हो और उस कंडीशन में भी अगर आप अच्छा खेल लेते हो ना, उसी को असली खिलाड़ी कहते हैं। और भाई खिलाड़ी कुमार ने ये बात साबित करके दिखा दी है सूर्यवंशी के माध्यम से। दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानती हो कि सूर्यवंशी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 5 दिन हो चुके हैं, यानी कि आज इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर छठा दिन है। और भाई इस फिल्म ने इन 5 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है तो वो फाइनल रिपोर्ट भी हम लोगों के सामने आ गए। और उसको देखने के बाद हम ये डांस करते हुए कह सकते हैं कि भैया खिलाड़ी कुमार ने अपनी इस फिल्म के माध्यम से इंडिया में ही 100 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। मेरे भाई 100 करोड़ का आंकड़ा इस फिल्म ने छू लिया है और ये कारनामा करने वाली सूर्यवंशी बॉलीवुड के लिए इस साल की पहली फिल्म बन गई है। अब देखने वाली बात यह है कि भाई खिलाड़ी कुमार के इस रिकॉर्ड को तोड़ेगा कौन, क्योंकि भैया इसके बाद 2 और बहुत बड़ी फिल्में इसी महीने में रिलीज होगी बॉलीवुड की तरफ से। एक फिल्म है बॉलीवुड के दबंग खान की फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ और उसके साथ बॉलीवुड के रियल मस्कुलर हल्क यानी कि भैया जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते 2। तो भाई इन दोनों फिल्मों से हमें भी काफी उम्मीदें हैं कि शायद ये दोनों फिल्में खिलाड़ी कुमार को बॉक्स ऑफिस पर कड़ा मुकाबला दे दे। चलिए मैं आपको बताता हूं कि भैया खिलाड़ी कुमार के इस फिल्म यानी कि सूर्यवंशी ने इन 5 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कैसा कलेक्शन किया है। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि सूर्यवंशी इसी महीने की 5 तारीख को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी दीपावली के शुभ अवसर पर। यानी कि इस फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मारते हुए 26 करोड़ 29 लाख रुपए का बिजनेस किया था। उसके बाद इस फिल्म ने सैटरडे को 23 करोड़ 85 लाख रुपए का बिजनेस किया था। देन उसके बाद इस फिल्म ने भैया संडे को 26 करोड़ 94 लाख रुपए का बिजनेस किया था और इसके माध्यम से इस फिल्म ने पहले वीकेंड में ही भैया 77 करोड़ 8 लाख रुपए का बिजनेस कर लिया था। और उसके बाद जब इस फिल्म का ड्राई डे शुरू हुआ यानी कि भैया वर्किंग वाला डे जब चालू हुआ तो भाई वर्किंग डे में भी इस फिल्म का जलवा हमें बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिल रहा है। यानी कि भैया इस फिल्म ने मंडे को 14 करोड़ 51 लाख रुपए का बिजनेस पूरे इंडिया से किया और उसके बाद मंगलवार को यानी कि कल इस फिल्म ने 11 करोड़ 22 लाख रुपए का बिजनेस किया है बॉक्स ऑफिस पर। यानी कि भैया मंडे आते आते इस फिल्म का बिजनेस जो है वो डाउन हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिल्म दहाई का आंकड़ा छूने में कामयाब हो गई है बॉक्स ऑफिस पर इस कोरोना काल में। यानी कि भैया इस सिचुएशन में अगर ये फिल्म दहाई का आंकड़ा वर्किंग डे में अगर छू रही है तो भाई ये इस फिल्म के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसी के माध्यम से इस फिल्म ने 5 दिनों में ही बॉक्स ऑफिस से 102 करोड़ 81 लाख रुपए का बिजनेस कर लिया है मेरे भाई। यानी कि एक बार फिर से खिलाड़ी कुमार ने अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के माध्यम से कह दिया है
कि भैया वही है बॉलीवुड के असली खिलाड़ी कुमार, यानी कि उनका मुकाबला अगर आपको करना है तो आपको अच्छे दिनों की तलाश नहीं करनी होगी, बल्कि आपको अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान रखना होगा और उसके साथ आपको लोगों को ये भरोसा दिलाना होगा कि भाई मैं अपने फिल्मों में बहुत मेहनत करके आता हूँ। और ये बात तो खिलाड़ी कुमार अपनी अलग अलग कॉन्सेप्ट के माध्यम से दुनिया को बताते रहते हैं। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा कि भैया खिलाड़ी कुमार ने तो इस साल के लिए यानी कि 2021 के लिए बॉलीवुड के लिए पहला सेंचुरी लगा लिया है बॉक्स ऑफिस पर, तो भैया इनके इस रिकॉर्ड को तोड़ेगा कौन। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारंट जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।